मुरादाबाद में जल संचयन को लेकर आला अधिकारियों द्वारा कार्य को किया जा रहा है। जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सरकारी नलों के पास पानी के सोखते बनाए गए हैं, तो वहीं मनरेगा के अंतर्गत तालाबों का नवीनीकरण भी कराया गया है। ग्राम पंचायतों में वाटर लेवल बना रहे इसकी जरूरत को देखते हुए तालाबों के खुदान के साथ साथ तालाबों की मेड़बंदी कर दी गई है और सफाई व्यवस्था को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। मुरादाबाद के कांट्रोल विकास भवन कार्यालय पर मौजूद रहे परियोजना निदेशक सतीश मिश्र द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद में जल संचयन पर काम किया जा रहा है, तो वहीं अब ग्राम पंचायत लेवल पर खेल का मैदान बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही वन ब्लॉक वन पार्क की स्थापना की जा रही है और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक ऐसे पार्क को बनाने की कवायद की जा रही है जो अपने आप में अपनी शान अलग दिखाता हो। मुरादाबाद के सभी ब्लॉक क्षेत्रों में एक एक पार्क बनाने का काम आरंभ कर दिया गया है। परियोजना निदेशक मुरादाबाद, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना थी उसको साकार करते हुए जनपद मुरादाबाद में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तथा मुख्य विकास अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में सभी विकास खंडों में हमने अभी तक 607 सोख पीठों का निर्माण कराया है मनरेगा के अंतर्गत, तथा जल संचयन के क्षेत्र में हमने लगभग 250 के आसपास तालाबों का निर्माण कराया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा में हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट चलाने की कोशिश किया है जो शासन के आदेश हैं, वन ब्लॉक वन पार्क के तहत उसके अंतर्गत हम लोग काम करने जा रहे हैं और प्रत्येक ब्लॉक में एक पार्क का निर्माण कराएंगे जिस पे गांव के ग्रामीण बच्चों के खेलने के लिए खेल के साधन होंगे, बूढ़े वृद्ध लोगों के घूमने का मैदान होगा, क्रिकेट का मैदान होगा खेलने का, बैडमिंटन कोर्ट होगी। इसके अतिरिक्त जल संचयन से संबंधित हमारे वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य होगा, तथा इसके अतिरिक्त मनरेगा में हम लोगों ने मानव दिवस का जो हमारा सृजन का लक्ष्य था उसको हमने 116% की पूर्ति की है और हम आगे भी मनरेगा के अंतर्गत अच्छे से अच्छे रचनात्मक काम करते रहेंगे। अभी मैंने जो मनरेगा पार्क की बात किया था वन ब्लॉक वन पार्क के तहत, इस पे मैं दोबारा आप सबको बताना चाहूँगा कि हमने भगतपुर टांडा में सिरसवा गौंड, बिलारी में अमरपुर काशी, छजलट में देहरी जुम्मन, डिलारी में जलालपुर खालसा, डींगरपुर में हरियाणा, मुरादाबाद में इस्लाम नगर और मूढ़ा पांडे में खड़गपुर जगतपुर और ठाकुर द्वारा में किशनपुर गावड़ी, ये मनरेगा पार्क का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं जो कि एक महीने के अंदर हमारे मनरेगा पार्क का निर्माण हो जाएगा। थैंक यू। बहुत आने वाले दिनों में क्या फायदा मिलेगा? आने वाले दिनों में ये जो हमारे मनरेगा पार्क बनेंगे, ये जो हमारे भारत सरकार और प्रदेश सरकार की नई ये नीति हमारी चल रही है कि खेलों को प्रोत्साहन करने के लिए जो प्रदेश सरकार और भारत सरकार की नीति चल रही है उसके तहत बच्चे, गांव के बच्चे इनमें खेल खेलेंगे तथा जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी जा कर के आराम से वहां बैठेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे ताकि वो लोग स्वस्थ हो सकें। सर, इन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए जनता से आप क्या कहेंगे? हम जनता से यही कहेंगे कि जो हमारे निर्माण कार्य हो रहे हैं मनरेगा के अंतर्गत तथा अन्य योजनाओं में जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका आप लोग रख रखाव करें। सरकार एक बार उनका निर्माण तो करा देती है लेकिन इसके बाद उनका जो रख रखाव है गांव के लोग उतना ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो उनका रख रखाव करें। तथा ये जो हमारे मनरेगा पार्क बन रहे हैं, अभी फिलहाल हमने वन ब्लॉक वन पार्क के तहत प्रत्येक ब्लॉक में एक का चयन किया है, इसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका सभी लोग अधिक से अधिक लाभ लें।